नमस्कार, फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ। मामला सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर मजरे औलियापुर से जुड़ा हुआ है, जहां शुक्रवार की भोर दिनेश वर्मा का 19 वर्षीय इकलौता पुत्र रवि वर्मा खेत में तुलसा का बेसार लेने के लिए गया था, जहां पर फसल की सुरक्षा के लेकर कोटेदार घनश्याम उर्फ मनोज वर्मा पुत्र रामदीन निवासी लालपुर मजरे औलियापुर ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेत में लगे तारों में एलटी लाइन पोल से सप्लाई जोड़ रखी थी, जिसकी चपेट में आने से रवि वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना पर पहुंचे परिजन घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। देखिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता अवधेश वर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रोहिणी वर्मा। सर रोहिणी वर्मा, ये कौन सा ग्राम है? ग्राम लालपुर का प्रॉपर सफदरगंज। थाना क्या है? सफदरगंज। जिला क्या है? जिला बाराबंकी। ये मामला जो हुआ ये किस तरह हुआ है बताइए। ये हमारा भाई जो था वो खेत में गया था, पानी लगा रहा था, उसके बाद जो वो खेत में गया था तो वो तुलसा लेने गया था ना, बिसार लेने गया था, तो वहीं पे मतलब वो लोग करंट फैलाए थे, उसी में मतलब कौन लोग करंट फैलाए थे? मनोज कुमार। ये कहाँ के निवासी हैं? ये लालपुर के निवासी। ये करंट कहाँ से फैलाए थे? बिजली बिजली से या कहाँ से? ये खंभा से तार लिए खींचे हुए थे और सारा तार कटा हुआ है। घनश्याम नाम है इनका, ये वो गल्ला वल्ला देते हैं, कोटेदार है। तो ये करंट परमानेंट ये लगाते हैं? परमानेंट, जब से बिजली आई है 2017 में आई थी बिजली, तब से ये वो करंट लगाया है, वही से फैलाया है। और मेरे पापा ने एक बार वहाँ से हटा भी दिया था, फिर भी बोले थे, फिर भी उन्होंने वही फैला दिया। और मेरे खेत में मतलब सादा तार बांधा है, लेकिन उसी में मतलब वो लपेटे हुए हैं। लड़के का नाम क्या? लड़के का नाम रवि वर्मा। उसके पिताजी का नाम? दिनेश कुमार वर्मा। ये लड़का वहाँ कहाँ मतलब कहाँ को गया था? मेरा भाई खेत में गया था बेसार लेने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे आप लोग को जानकारी हुई? जानकारी मेरी मम्मी थी, मम्मी मेरी थी ना। तो इसकी तहरीर वगैरह थाने वगैरह में दिया? थाने वगैरह में पापा लोग को पता है, हमको पता नहीं है। इस समय तुम्हारा भाई कहाँ? हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल गया है। तो कैसे आप लोग को जानकारी मिली कि आपके लड़के मतलब आपके भाई के साथ ऐसा हो गया है? मेरी मम्मी थी ना, खुद आप वहाँ मई तो छुड़ाए, मुझे दूर फेंक दिया, फिर दोबारा पकड़े, दोबारा फिर फेंक दिया। मेरा एक छोटा भाई था, वो भी गया, उसको भी मारा, हमको चार बार बार जैसे अपने बच्चे को खींचने लगे, चार बार फेंका उधर पीछे को मेरे को बिजली।